गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ये लो. क्या है? नींबू पानी. चाय की जगह नींबू पानी दे रही. कल रात तो आपको किसी चीज का भी होश नहीं था. अर्जुन, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? किसी से कुछ कह तो नहीं दिया? कहने जैसे आपकी हालत कहाँ थी? आपको मालूम है प्रेम भैया कितने टेंशन में थे, कितने परेशान थे वो. उन्हें तो डर था कि कहीं मम्मा डैडी को पता ना चल जाए कि आप. वो तो आपको ढूंढने निकलने ही वाले थे कि जैसे ही आपने दरवाजे पर हाथ रखा उन्होंने दरवाजा खोल दिया. फिर हम दोनों ने आपको सहारा दिया, आपको रूम में लाए, प्रेम भैया ने आपके जूते निकाले और फिर. क्या क्या क्या? प्रेम भैया ने मेरे जूते निकाले? मेरे बड़े भैया ने मेरे जूते निकाले और मुझे होश तक नहीं. लानत है मुझ पर. जिन भैया के कदमों पर मुझे रहना चाहिए उन्होंने मेरे जूते निकाले. आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया. अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा उन्हें? नहीं, प्रेम भैया नाराज नहीं थे, उन्हें तो बस इस चीज का डर था कि कहीं मम्मा डैडी को पता चल जाए तो. ये तो भैया का बड़प्पन है, वरना मुझ जैसे को यहाँ सुलाने के बजाय बाहर सड़क पर फेंक देना चाहिए था. डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं सचमुच आवारा ही हूँ. भैया, आपने आपको कसूरवार ठहरा के कोई फायदा नहीं है. बस बस ये कोशिश करना कि दोबारा ऐसा ना हो. दोबारा ऐसा नहीं होगा मेरे जीते जी, हर किस नहीं होगा. और अगर हुआ तो तुम में से किसी को मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. ओके नाउ चीयर अप, कूल इट, गेट अप, गेट फ्रेश एंड गेट रेडी. ओके. ये तो बहुत ही बुरा हुआ मैम कि उसने आपको पहचान लिया. मानिक वाकई बहुत ही होशियार और खतरनाक इंसान है. जिस तरह से उसने मुझे रेस्टोरेंट के सामने देखा, मैं तो उसी से जान गई थी कि उसने मुझे पहचान लिया है. और रात को फोन पर उसने बकायदा मेरा नाम भी ले लिया. अब तो मैं दुगनी सावधानी बरतनी होगी. अब जबकि वो मुझे पहचान गया है तो एक तरह से मानिक निश्चिंत हो गया होगा कि हमें उसकी अगली चाल के बारे में कुछ नहीं पता. जब हम उससे छुपे थे तब हम कौन हैं या उसके बारे में कितना कुछ जानते हैं ये उसे बिल्कुल नहीं पता था. मुझे तो डर इसी बात का है कि आजकल वो बाबूजी के घर पर खुलेआम आता जाता रहता है. कहीं मौके का फायदा उठाकर उसने किसी पर वार कर दिया तो. कम ऑन मीनाक्षी, डोंट लुक एट मी लाइक दैट. हमें उसकी अगली चाल के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए हमें हर एंगल से सोचना पड़ेगा. एंड आफ्टर ऑल मानिक एक मुजरिम है, जेल से सजा काट कर आया है. वो कभी भी कुछ भी कर सकता है. मोहनदास भी उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं. उसके हर एक मोमेंट्स के बारे में वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है. हमें भी अपनी तरफ से उसके ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी. और खासतौर से आपको तो बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा. क्या हालत है ना, हम उसके बारे में किसी को हकीकत बता सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिल रहा है. एक और बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा. क्या? कहीं मानिक बाबूजी के घर से पहले मुझे निकलवाने की कोशिश न कर दे. वैसे प्रभाकर साहब ने अपनी बेटी की मम्मी में काफी पैसे खर्च किए. मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, प्रभाकर अंकल ने इतने पैसे कैसे खर्च कर लिए? क्यों? अरे हमारे मोहल्ले के कोई भी फंक्शन या पूजा में 5 रुपए नहीं देते. चुप कर, हर वक्त मजाक सोचता रहता है. तो गलत क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? प्रभाकर साहब बहुत बड़े कंजूस है. मेरा यकीन करो, मोहल्ले के कोई भी फंक्शन के लिए चंदा कौन इकट्ठा करता है? मैं ना जानता हूँ. राहुल चुप करना, क्या हंसते हैं तुम लोग.
मम्मा मैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊं? नहीं अभी नहीं, पहले मम्मी की रस्म पूरी हो जाने दो, बाद में। ये तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए मानिक को लेकर? मम्मा वो देखो डैडी, ये मिस्टर दीक्षित हैं, मानिक। तभी वही मैं सोच रही थी, अचानक इतनी भीड़ में कहाँ गायब हो गए? अपने दामाद को बिरादरी वालों से मिला रहे हैं। और वैसे भी हम लोग सब तो जानते हैं, डैड जब किसी को अपने बिरादरी वालों से मिलाते हैं तो सिर्फ मिलाते नहीं, उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। वैसे मानक तारीफ के काबिल। इनके घर में गोपाल जी, हाँ आप यहाँ हैं? मैं तो सोचा था कि आप भाभी जी लोगों के साथ होंगे, वो भी आपको ढूंढ रही हैं। अरे मैं तो कब से आया हुआ हूँ और अपने होने वाले दामाद को बिरादरी वालों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। दामाद? जी हाँ, इनसे मिलिए, मिस्टर मानिक हमारे होने वाले दामाद। नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गौर से देख लो प्रभाकर, हमने तो जिंदगी में रुपए की असली सूरत कभी देखी नहीं, लेकिन हमारे दामाद बहुत बड़े बिजनेसमैन है, करोड़ों का टर्नओवर है इनका। दादी आप बेकार में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटे तुम्हारी नम्रता ही बता रही है कि तुम्हारी रईसी कितनी है। पिताजी ये क्या कर रहे हैं, कल जब इसी मानिक की सच्चाई आपको पता चलेगी तो बिरादरी वालों के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब आप लोग चलिए, खाने का टाइम हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए। आइए आइए आइए, आप लोग चलिए, मैं बाकी सबको लेकर आता हूँ। ओके आइए। माँ आप लोगों को खाने के लिए बुलाया जा रहा है। क्या बात है, आप बड़ी चुपचाप हैं, कमाल की बात है। मेरी असलियत जानने के बाद भी आप चुप हैं? नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आपके ससुराल वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और क्या कहा आपने, आप मजबूर हैं? भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी तो मजबूर हूं। पान लो। दादी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। अरे नहीं डैड, इन्हें इजाजत नहीं, इन्हें हुक्म दीजिए कि अब ये हमारे साथ कॉफी पीने के बाद ही जाएंगे। अरे राहुल मुझे जरा अरे बैठिए ना, बैठ जाओ मानिक बेटे, थोड़ी देर रुक कर चले जाना। दादी अरे दादी इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आती हूँ, बैठो। दादी मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, मेरा यहाँ रोज रोज आना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अरे लोगों की बात छोड़िए, आज आपने लोगों की छुट्टी कर दी, क्यों प्रेम भैया? अरे हम सबने देखा ना वहाँ पर प्रभाकर साहब के यहाँ, वहाँ तो सब लोग आपको ऐसे देख रहे थे कि मानो आप कोई कोई फिल्म स्टार हो। अरे एक मोहतरमा मेरे पास आई और पूछने लगी कि राहुल बेटे तुम्हारे उस जीजा जी का कोई छोटा भाई भाई है या नहीं, वो क्या है कि मैं अपनी छोटी बेटी के लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रही। मैंने तो कह दिया भाई छोटा भाई तो नहीं है, एक साला है, चलेगा। भाई राहुल कभी तो तुम सीरियस हो जाए करो। अरे मैं सच कह रहा हूँ प्रेम भैया, इनकी वजह से हमारे बिरादरी वाले अब हमारे साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं। राहुल भैया देखना वो मोहतरमा कल सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे आपके लिए रिश्ता लेकर। अच्छा बेटी जरा एक गिलास पानी तो ले आना मेरे लिए। लाई हूँ मैं पानी, लाई हूँ आपके लिए, लीजिए बेटा कॉफी पीना। थैंक यू माजी। मिसेस प्रभाकर तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी आज। हाँ मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना था, कह रही थी कि इतने पैसे वाले होने के बावजूद आप इतने मिलनसार। तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है, तुम बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। दादी जल्दी घुल मिल जाऊंगा तभी तो मेरा काम जल्दी हो पाएगा। आपकी कमजोरियों को पहचानना, आप लोगों की कमजोरियों को पहचान कर अपनाना, मैं समझता हूं कमजोरियों को अपनाने से ही एक मजबूत रिश्ता कायम हो सकता है। कितने ऊंचे ख्यालात है तुम्हारे बेटे। वाकई मानिक एक आम आदमी इस तरह से नहीं सोच पाता है। नहीं भैया एक आम आदमी भी इस तरह सोच सकता है लेकिन सोचना नहीं चाहता है। मैं भी तो एक आम आदमी हूं, ऑर्डिनरी सिंपल मैन। नहीं मानिक तुम में और एक आम आदमी में बहुत फर्क है। अर्चना वाकई खुशनसीब है कि उसे तुम्हारा जैसा लड़का मिला।
मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो आप लोग मेरी तारीफें कर करके मुझे आम आदमी नहीं रहने देंगे। And I want to remain as a simple man. और मुझे होटल में काम भी बहुत है। बेटा मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि ये तुम होटल में क्यों ठहरे हो? डैडी मैं यहाँ बिजनेस के लिए आता हूँ, मेरा यहाँ घर थोड़ी है, मेरा घर तो बैंगलोर में है, तो ऑब्वियसली मैं होटल में रहता हूँ। ऐसा क्यों कहा तुमने कि ये तुम्हारा घर नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है? आइंदा कभी ऐसा मत कहना कि शहर में तुम्हारा कोई घर नहीं है। ठीक है माँ जी, ऐसा कभी नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा डैडी अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हें भी तो आंचल को छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा ना। माँ जी भैया को क्यों तकलीफ देती हैं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। माँ जी इन्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, मानिक ठीक कह रहा है, वो छोड़ेगा तुम्हें घर। लेकिन माँ जी देखिए आपको छोड़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हो सकता है आपको तकलीफ हो, मेरी गाड़ी थोड़ी छोटी है, आपको पसंद है। जाओ बेटी इनके साथ जाओ, मानिक के साथ कोई तकल्लुफ नहीं। हाँ हाँ चल तुम जाओ। अच्छा डैडी, अच्छा हाँ जी, ओके राहुल, बाय सी यू, बाय बाय। अच्छा भैया आइए चलिए। क्या हुआ तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी मैंने रोक दी? गाड़ी खुद ब खुद रुक गई, काफी सुनसान जगह है ना, इंसान कभी कभी जो नहीं चाहता है वही होता है। देखो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो यहाँ से। अब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मेरे साथ हैं, किसी को किस्मत नहीं। अब गोपाल गुरुजी को मेरे हाथों बर्बाद होना है तो होना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी किस्मत है। मैं क्या कर सकती हूँ शायद तुम्हें पता नहीं, समझे? क्या कर सकती हैं आप, कर क्या सकती हैं आप, उनको मेरे बारे में बता तक नहीं सकती, क्या कर सकती हैं? अच्छा मेरे रास्ते से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। चलो देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। नमस्कार गुरुजी, पहचाना? कौन कौन बोल रहा? आपको एक तारीख याद दिलानी थी, 10th July 1989। बहुत समय बीत गया ना, भूल गए आप? अरे आप कभी नहीं भूल सकते इस तारीख को, मैं ये तारीख आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। भाई आपका शिष्य होने के नाते ये एहसान तो मैं आप पे कर ही सकता हूँ ना। कौन बोल रहा? क्या बात, मैंने आपके सामने गोपाल गुरुजी को धमकी दी और आप हाथ पे हाथ धरे बैठी हो, कुछ नहीं किया आपने? आंचल तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए बेहतर यह है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ओके बात है डैड, किसका फोन था? डैड किसका फोन था? नहीं वो खास नहीं। क्या बात है, फोन के आने के बाद आप तो काफी परेशान हो गए? नहीं परेशान नहीं हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं। सोच रहे? अर्चना की शादी के अलावा आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लगता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। प्रेम बेटा तूने घर की सारी परेशानियों को संभाला है, अब मेरी ये एक छोटी सी परेशानी इसका सामना तो मुझे करने दो। आपके बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि आपके लिए आपकी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। डर लगता है कि आपको अपने बच्चों पर मुझ पर भरोसा नहीं, वरना आप अपनी परेशानी को मुझसे बांटते, मुझे बताते। बेटा वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है?
आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको तंग कर रही है? आप मुझे बताइए ना, मुझसे छिपाइए नहीं, प्लीज। आखिर कब तक आप अकेले इस परेशानी से लड़ते रहोगे? हाँ, मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं चाहता कि प्रेम परेशान हो उस तरह जिस तरह से मैं परेशान हो रहा हूं, मैं नहीं चाहता। आंखें होते हुए भी पता नहीं लोग क्यों अंधों की तरह बिहेव करते हैं। वो लोग क्यों नहीं समझते कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है? पूरे घर को बर्बाद कर डालेगा वो, अपने ही हाथों से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं सबके सब। लेकिन हुआ क्या है, किसकी बात कर रही हो तुम? कौन किसके परिवार को बर्बाद करने पर तुला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारे किसी क्लाइंट की बात कर रही हो? मेरा कोई क्लाइंट नहीं है भैया। अगर मैं अपने क्लाइंट को अपने दिल की बात ना बता सकूं या मेरे मन की बात उस तक ना पहुंचा सकूं, ऐसे क्लाइंट को मैं कब तक छोड़ देती? तो फिर भैया वो एक मिनट। हेलो हेलो जी, मैं मानिक बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे याद किया? जी बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आंचल जी आराम से घर पहुंच गए कि नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक ठाक पहुंच गई। That's good. कभी आप आइए ना हमारे यहाँ। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। वाह, बहुत अच्छा इंसान है ये मानिक। दूसरों के दुख दर्द के बारे में कितना सोचता है। पता किसने फोन किया? फिक्र हो रही थी कि भाई तुम ठीक से पहुंच गई हो। ये गोपाल जी तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, कितना अच्छा लड़का मिल गया अर्चना को। कमाल है, अभी तो सगाई भी नहीं हुई। भाई मैंने तो सुना था कि शादी की डेट फिक्स होने के बाद लड़कियां ऐसे मूडी और टेम्परमेंटल हो जाती। मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी। तुमने कभी किसी का भला तो किया नहीं, लेकिन अब तुम किसी का नुकसान भी नहीं कर पाओगे। क्या करो? नहीं नहीं नहीं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम मरोगे ही, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य मरेगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.